शक्ति को भी पहचानें। हमारे भीतर भी शक्ति है कि हम स्वस्थ हो सकते हैं, रह सकते हैं और आने वाली व्याधियों का मुकाबला भी कर सकते हैं। आयुर्वेद में और कुछ अध्यात्म के ग्रंथों में भी नई चक्र आदि जो हमारे तर्कशास्त्रीय ग्रंथ है उनमें भी बीमारियों का एक वर्गीकरण किया गया। एक दैहिक बीमारी जो शरीर के दोष से होने वाली बीमारी, प्राचीन आयुर्वेद की भाषा में कहूं तो वात पित्त और कफ की विषमता से होने वाली बीमारी। जब वात पित्त कफ ये तीन जो दोष हैं, तीन धातुएं हैं, इनकी सम अवस्था रहती है तो आदमी स्वस्थ रहता है और इनमें जब विषमता आती है तो आदमी बीमार हो जाता है। मेडिकल साइंस की भाषा में आप देखें तो जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो रासायनिक संतुलन ठीक रहता है, उनके हार्मोन्स का जो स्राव होता है, सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स होता है और बस संतुलित है, तब तो आदमी स्वस्थ रहता है और उन ग्रंथियों के रसायनों में असंतुलन होता है तो आदमी बीमार हो जाता है। संतुलन की बात सब जगह है, आयुर्वेद में भी है कि तीनों का संतुलन रहे, मेडिकल साइंस में भी है कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के रसायनों का संतुलन रहे तो आदमी स्वस्थ रहता है।